रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने सांसद खेल महाकुंभ के नाम पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप अनुराग ठाकुर पर लगाया है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि पिछले 15 सालों में ऐसा कोई खेल महाकुंभ युवाओं के लिए नहीं किया गया, जबकि अब चुनावों के नजदीक राजनीतिक लाभ लेने के लिए करवाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है, तो बयान के बाद एडवोकेट विनय शर्मा द्वारा सत्ती की जुबान काटने वाले को 20 लाख देने की बयानबाजी भी गर्मा गई है। हमीरपुर में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने कहा कि जिस तरह से एडवोकेट कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए और बीजेपी इसका कड़ा विरोध करती है। उन्होंने कहा कि यह अशोभनीय है कि लोकतंत्र से जुड़े हुए एडवोकेट से इस तरह की बात कतई भी सहन नहीं की जानी चाहिए। पूर्ण है ये राजनीति में शब्दों का युद्ध चलता है, लेकिन जिस प्रकार से एक एडवोकेट ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जो वो कह रहे हैं, लोकतंत्र में इस प्रकार की किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए और पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और हमने उन एडवोकेट के खिलाफ FIR भी करवाई है। एक तो ये एथिकली अशोभनीय है, लेकिन लोकतांत्रिक दृष्टि से लोकतंत्र का बहुत बड़ा ह्रास है इस प्रकार की बातें अगर कोई एडवोकेट लेवल का व्यक्ति करे तो। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने एडवोकेट विनय शर्मा के बयान की कड़ी निंदा की है और कहा कि कांग्रेस का इस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इस बयान से कोई संबंध नहीं है। इस तरह के किसी भी बात की निंदा करती है और इस तरह के किसी भी बयान के साथ और व्यक्ति के साथ खड़ी नहीं। तो प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अनीता वर्मा ने कहा कि विनय की कोई अपनी भावना होगी और कांग्रेस पार्टी का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बात की कड़े शब्दों में निंदा भी करती है। उसकी अपनी भावना होगी, जो उसने अपनी भावना को करती है, पर हम इसको बिल्कुल हम इसकी निंदा करते हैं।